मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और आज हम लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेंपल कुप्ती में। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि कल जो है मंदिर के फाटक खुलने वाले हैं, तो हम लोग भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अपने कुछ साथी अभी मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं जस्ट निकलने ही वाला हूँ। बैग में मैंने एक ट्राउजर और ब्लैंकेट वगैरह डाला है, तो चलिए चलते हैं। फिर हम अंकू भाई की बाइक लेके जा रहे हैं और जीजा जी की, और अपनी दो बाइकें यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पर है चिल्ला चाचा, हाय हेलो गाइस, और ये है अपना अंकित भाई। डैम के पास, और डैम देखिए भाई बहुत बड़ा डैम यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर रास्ता भी काफी ज्यादा टफ है, लुक पूरी तरह से उखड़ गई है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं क्योंकि बाइक के टायर में हवा वगैरह भी भरवानी है। आगे रोड काफी ज्यादा टफ है, तो हमें आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम यहीं पर रुके हैं। यहीं पर हवा वगैरह भराएंगे और इसके साथ ही चलेंगे अपने सफर पर। और सामने ये है बग्गा का डैम जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट वालों ने बनाया हुआ है, और ऐसा कुछ है यहाँ का रोड। यहाँ पर फिलहाल रोड थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन पीछे अच्छा था। अब देखना होगा कि आगे रोड कैसा रहता है। तो भरा लिया है, अभी हम निकल चुके हैं अपने खूबसूरत सफर के लिए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुप्ती में मैं पहली बार जाने वाला हूँ, और वहाँ पर दर्शन होने वाले हैं कार्तिक स्वामी के, जिनको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं केलंग वजीर। कुछ काम चल रहा है, नालियां वगैरह ये बना रहे हैं। बस है, ये जा रही है कुप्ती के लिए। चुके हैं खड़ा मुख में, और यहाँ से दो रोड डाइवर्स होते हैं, एक जाता है होली के लिए ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जाता है भरमौर के लिए। तो अभी हम जाने वाले हैं इस वाले रोड पे, और भरमौर से आगे जाएगा रोड कुप्ती के लिए। देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, और साथ में ही है ये डैम। अभी हम पहुंच चुके हैं इस प्यारी सी लोकेशन पे, जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि यहां से होते हैं कैलाश दर्शन। यहां पर भी आप पढ़ सकते हो प्रथम कैलाश दर्शन, और यहां पर इसके रिलेटेड कुछ बनाया हुआ है, जैसे कि ये कैलाश बनाया हुआ है, उसके साथ ही मणि महेश झील, और सामने है महादेव जी। और अगर आपको दिखाएं तो कैलाश वहाँ पर सामने है, जहाँ पर आपको थोड़े से धुंध दिखाई दे रही होगी, बर्फ के पहाड़। तो यहाँ से हमें कैलाश भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी बना रखा है जो कि वन विभाग वन मंडल भरमौर के द्वारा बनाया गया है। आ चुके हैं अभी हम चौरासी टेंपल के गेट पर, और अभी हम जाने वाले हैं टेंपल के अंदर। सामने है ये गेट जहाँ से चौरासी टेंपल में एंटर करते हैं। यह चौरासी टेंपल भरमौर,
यहाँ पर कुल मिलाकर 84 टेंपल है, जिसके कारण इसे 84 टेंपल भी कहा जाता है। ये प्लेस सबसे ज़्यादा फेमस है धर्मराज के मंदिर के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया का एकमात्र धर्मराज का मंदिर इसी जगह पे है। ये रुके हम चाय वगैरह पीने के लिए, यहाँ से ठंड जो है स्टार्ट हो गई है, इसलिए सबने यहाँ पे जैकेट वगैरह डाल लिया है। शायद क्योंकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर ही बचा है, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया तो हमें जल्दी जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं आर्सर में, और यहाँ से सेपरेट होता है रास्ता, ये सामने का रास्ता जाता है मणिमहेश लेक की ओर, और जो ये नीचे वाला रास्ता है ये जाता है कुकती की ओर। रास्ता जा रहा है कुकती के लिए, यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हो वेलकम टू कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये ज़्यादातर फेमस है स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, तो उनका थोड़ा वेट करेंगे फिर यहाँ से शुरू करेंगे ये सफ़र। अपने फ्रेंड्स भी आगे निकल चुके हैं, तो अभी हम भी चलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से कुकती बचा है सिर्फ 10 किलोमीटर, तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट के बाद ही हम पहुँच जाएंगे कुकती में। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। चुके हैं कुकती विलेज में, रात भी काफी हो चुकी है, यहाँ पर रहने का जुगाड़ हो गया है इस वाले रूम में, आज रात हम यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पर आज रहने का जुगाड़ हुआ है इस रूम में, और ये है अपने भाई लोग। हेलो भाई, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? देखो हमारा रूम छोटा सा, आज यहाँ पर रहेंगे हम, छोटा सा रूम है लेकिन ठीक है यहाँ पर।